खुदा जैसी गुप्त अंग की खारिश की प्रॉब्लम है, बहुत सी ट्यूब क्रीम यूज की कोई फर्क नहीं पड़ता, और लकोरिए की प्रॉब्लम है, यस खुदा तेरी जीव शक्ति से सारा रोग छाए। पापा जी एक महीने तो खारिश हो रही थी, चार महीने तो लकोरिए की प्रॉब्लम। चार महीने से लकोरिया, मतलब समझते हो पानी बहता था पूरी तरह से, परमेश्वर ने ऐसे ही एकदम से, जैसे किसी चीज को हम साफ करते हैं ना, गंदे कपड़े को धो देते हैं तो कैसे चमकता है, उसी तरह परमेश्वर ने धोकर उस बीमारी से ऐसे चमका दिया, साफ कर दिया है। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम मंजिंदर कौर है और जे कक्कड़ गांव के रहने वाले हैं। तो इस बहन की गवाही जे बता रहे हैं कि एक महीना हो गया है इनके गुप्त अंग में खारिश की प्रॉब्लम रहती थी, और एक महीना हो गया था जिसके कारण इस प्रॉब्लम से जी बहुत ही परेशान थी, और चार महीने हो गए थे कि इनको लकोरिए की प्रॉब्लम थी जिसके कारण जी काफ़ी परेशान थे। तो सिस्टर जी आप बताइए, जब आपको एक महीना हो गया खारिश की प्रॉब्लम थी और चार महीने से लकोरिए की प्रॉब्लम थी, तो आप इस प्रॉब्लम से कितना परेशान थे और आपने कितनी मेडिसिन खाई? ਯਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਯਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੇਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਾ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਮੈਂ ਧੂਪ ਵੀ ਵਰਤੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਔਰ ਜਬ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੇ ਵੀ ਲਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਕੋ ਲਕੋਰੀਏ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੀ, ਆਪਕੀ ਬਾਡੀ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਥੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਤੀ ਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ। और जैसे आप मेडिसिन खा रहे थे फर्क नहीं पड़ा था, और घर का काम करने में भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। हाँ जी, ये नाल ही मेरे शरीर में बहुत कड़लना भी पैंदिया सी। और आपने जे भी बताया कि जिसके कारण आपको रात के समय नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि आप इस प्रॉब्लम के कारण बहुत परेशान हो चुके थे। हाँ जी, रात के समय मेनू खारिश बहुत छिड़ पैंदी थी। तो सच में जो कि जे नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं क्लिसिया, जे चार महीने हो गए थे कि इनको लकोरिए की प्रॉब्लम के कारण तो जे परेशान थे, पर इनके गुप्त अंग में खारिश की प्रॉब्लम के कारण भी जे काफ़ी परेशान थे। जे ट्यूब क्रीम्स भी यूज़ कर रहे थे, जो भी इन्होंने डॉक्टर से ली, पर उससे भी कोई इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था, और बॉडी में इतनी ज़्यादा कमजोरी आ गई थी, घर का काम करने में भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ थी। और जब बता रहे कि जैसे इन्होंने 15 सितंबर की मीटिंग को अटेंड किया और अपना फॉर्म फिल कराया, क्योंकि खुदा के दास के द्वारा परफेक्टिक वर्ड आया था कि 2 संडे ले एंड प्रार्थना होगी, तो जैसे इन्होंने विश्वास से अपना फॉर्म फिल कराया, और जैसे 15 सितंबर के दिन जब इनके लिए ले एंड प्रार्थना हुई, आइए पहले हम इस वीडियो क्लिप को स्क्रीन पर देखते हैं। यस खुदा जैसी गुप्त अंग की खारिश की प्रॉब्लम है, बहुत सी ट्यूब क्रीम यूज की कोई फर्क नहीं पड़ता, और लकोरिए की प्रॉब्लम है, यस खुदा तेरी जीव शक्ति से सारा रोग छाए। चल शिपा शोर इसके गुप्त अंग को, गंदी आत्मा इसी क्षण छोड़। तो जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा आपके लिए ले एंड प्रार्थना हुई, तो परमेश्वर ने आपको कितने दिन में अच्छा कर दिया? खारिश तो उससे रात ही मैं ठीक हो गई। खारिश मैंने रात ते बिल्कुल मैं ठीक रही, ते दूसरे रोग तो भी मैं 2 दिन बाद फ्री हो चुकी हूँ। तो सच में कलीसिया, जैसे कि आपने इनकी गवाही को अगर बड़े मन से बड़ी चौकसी के साथ सुना है, तो जो नॉर्मल गवाही नहीं है, क्योंकि जो इनके जीवन में जो प्रॉब्लम थी, जो इनके गुप्त अंग में खारिश की प्रॉब्लम थी, इनको लकोरिए की प्रॉब्लम थी, इससे परेशान थे। तो सच में अगर जो बहन शर्माती ना बताते, हो सकता है इस रोग के कारण जो परेशान रहती, पर सच में जैसे कि परमेश्वर के कलाम में भी लिखा है कि जो 12 साल की रोगन थी, जिसको लहू बहने की प्रॉब्लम थी, जैसे उसने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह के पल्ले को छुआ, तो उसको भी खुदा ने अच्छा किया। और जो लोग भी अगर परेशान है इस प्रॉब्लम के कारण, जो लोग सोचते कि हम इस प्रॉब्लम को हम बता नहीं सकते, जो शर्माते, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सच में जो खुदा ने आपको बनाया, आपको रचा है,
अगर आप परमेश्वर के पास आते हो तो आप अपने हर एक जीवन की बातें अपने परमेश्वर से करें, परमेश्वर के आगे रखें, ताकि खुदावन अपने दास को इस्तेमाल करे। जैसे आज परमेश्वर के दास के द्वारा इस बहन के लिए लेन प्रार्थना हुई, और जो एक महीने की जो प्रॉब्लम थी और इनको खारिश की और चार महीने हो गए थे कि लकोरिया की प्रॉब्लम थी, आज परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा जो प्रार्थना के जरिए अपने सामर्थ्य के द्वारा इन्हें शुआ और पूरी तरह इस प्रॉब्लम से फ्री कर दिया। क्लीसिया, सच में इस बड़ी गवाही के लिए हम जोर से अपने हाथों को हिलाते हुए खुदावन परमेश्वर की प्रेज करेंगे, उसकी महिमा करेंगे। क्लीसिया, जोर से। कितने समय से था ये आपको, ये समस्या आपको जो प्रॉब्लम है कितने टाइम से थी? जय मसीह की, पापा जी। जय मसीह की। पापा जी, एक महीने तो खारिश हो रही थी, चार महीने तो लकोरी थी प्रॉब्लम। चार महीने से लकोरिया, मतलब समझते हो पानी बहता था। और जिसको ये समस्या हो जाती, जिसको प्रॉब्लम आ जाती ना, उसको पूछ कर देखना उसकी उसकी हालत कितनी क्या हो जाती है। ऐसे उसकी जो टांगे होती ना, वो बस खत्म हो जाती। जैसे पंजाबी में कहते ना, शरीर खुश जाना, मतलब जान ही नहीं रहती, चला फिरा नहीं जाता कुछ भी, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, ऐसा हो जाता है शरीर। क्यों जी, ऐसा ही ना था? हाँ जी पापा जी, बहुत दर्द हुंदा है, लक भी इहदे नाल ते अपने बच्चियां तो घटाउंदी रहनी हां मैं लक। मतलब जब दर्द होती रहेगी तो है ना, मतलब घटाना, मतलब समझ रहे हो ना, तो उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, मेडिसिन भी ली। हाँ जी पापा जी, मेरा पति वैसे भी मैंने दवाई खान नहीं देता, उन परमेश्वर ते विश्वास कर। हाँ, कईयों का विश्वास अच्छा है ना, तो कहते कोई बात नहीं विश्वास करो, पर खाई पर उससे भी कोई आराम नहीं मिला। पापा जी, दो खुराकां ना मैंने लिया दित्ती, वो भी लिया के नहीं देते। हाँ जी, उन्होंने मैंने विश्वास च रखा, पर उससे भी, उससे खाने से भी कोई आराम नहीं मिला। नहीं पापा, क्योंकि ये अच्छी चीज है ना, क्योंकि शरीर की चीज पर मन नहीं लगाया। किस पर मन लगा कर रखा, किस पर मन लगाया? बेशक चाहे तकलीफ में थे, आपने सुना कि हमेशा दर्द रहती थी, बोलो क्या, पूरे शरीर में, पूरी बॉडी में दर्द रहती थी ना। हाँ जी पापा जी, नाल ये कड़ल्ला भी पैंदी है। कड़ल्ला समझे ना, ये एक पंजाबी का शब्द है, इसे हिंदी में तुम क्या बोल सकते हो? हाँ, क्या बोलोगे हिंदी में इसे? हाँ, जकड़ना, नहीं जकड़ना तो ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं वो, जो ऐसे खलियां पड़ जाती है ना, खलियां खलियां जैसे, मतलब पड़ जाती है, समझ आ रही है? तो मतलब कुल मिला के समझो कि तुम बहुत ये परेशान थे चार महीने से, क्या थे बोलो, बहुत परेशान थे, और गुप्त अंग में भी ये प्रॉब्लम आ गई खारिश की। कितना, मतलब चार महीने कैसे बीते इनको पूछ कर देखो, क्योंकि कई बार जब हम गवाही सुनते हैं तो नॉर्मल सुनते हैं, अच्छा ठीक है ऐसा है, बोलो क्या ही? जब हम गवाही सुनते हैं तो नॉर्मल मन से सुनते हैं ना, पर इसको पूछ कर देखो कितनी ये समस्या में थी, कितनी पीड़ा में थी, समझ आ रही है? पर आज परमेश्वर ने पूरी तरह जो वर्ड दिया था पिछले दो हफ्ते ले हैंड का, उसी में ले हैंड हुई ना। हाँ जी पापा जी, आज 15 दिन हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज 15 दिन हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो नहीं दर्द होती? नहीं पापा जी, हाँ अब बैक पेन तो नहीं होती, कोई टांगों में कोई दर्द, कुछ नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने ऐसे एकदम से, जैसे किसी चीज को हम साफ कर दे ना, गंदे कपड़े को धो देते हैं तो कैसे चमकता है, उसी तरह परमेश्वर ने धोकर उस बीमारी से ऐसे चमका दिया, साफ कर दिया है। तारीफ करो जोर से, तारीफ करो जोर से। मेरे यसु मैनु दिती है शिफा, मैं सारिया नु दस दी फिरा। मेरे यसु मैनु दिती है शिफा, मैं सारिया नु दस दी फिरा। मेरे यसु मैनु दिती है शिफा, मैं सारिया नु दस दी फिरा। मैं छूया पल्ला यो दा मिलेगी शिफा, छूया पल्ला यो दा मिलेगी शिफा। मैं छूया पल्ला यो दा मिलेगी शिफा, हां दा मिलेगी शिफा। मैं सारिया नु
दस दी फिरा मेरे यसू मेरी सुनिए दुआ मैं सारू दस दी फिरा मेरे यसू मेरी सुनिए दुआ मैं सारू दस दी फिरा आमीन। आमीन। कितने विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर जीवित और सच्चा परमेश्वर है, वादों का परमेश्वर है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है कि एक को हील करे और दूसरे को ना करे, एक के जीवन में काम करे और दूसरे के जीवन में ना काम करे। बोलो ऐसा परमेश्वर है वो? पक्षपाती परमेश्वर है? पक्षपात करता है कि एक के जीवन में काम करे और दूसरे के ना करे, एक को ब्लेस करें और दूसरे को ना करें, एक को चंगा करें और दूसरे को ना करें, ऐसा नहीं ना। वो सबसे इक्वल प्रेम करता है, बराबर प्रेम करता है। अपने हाथों को उठाओ, अगर किसी को भी किसी प्रकार की समस्याएं, अपने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो। अपनी अपनी रोग के लिए, अपनी अपनी उस चीज के लिए अंगीकार करो। इन गवाहियों को सुनकर विश्वास करो कि परमेश्वर निश्चय मेरे खुदावन, आज मेरे जीवन में भी आप अपने उस काम को, अपनी सामर्थ को, अपनी हीलिंग को, अपनी चंगाई को, अपनी बरकत को परमेश्वर मुझे भी दिखा चुके हो, मुझे भी दिखा चुके हो। अपने मन को तैयार करो कि परमेश्वर उसी तरह से जैसे आज इन लोगों ने खुदावन तेरे नाम की महिमा की, तेरे नाम की गवाही दी है, उसी तरह से परमेश्वर आप मेरे जीवन में भी काम कर चुके हो, मेरे जीवन में भी काम कर चुके हो। मैं भी गवाही से आ चुकी हूँ, आ चुका हूँ। तू मुझे भी ब्लेस कर चुका है, मेरे भी बंद रस्तों को खोल चुका है, मुझे भी हर तकलीफ से, हर रोग से, हर समस्या से छुड़ा चुका है। अपने फेथ को बढ़ाओ, अपने विश्वास को बढ़ाओ और अंगीकार करो। अपने फेथ को बढ़ाओ और अपने सांस को बढ़ाओ और अपने मन को अच्छा करो।